अगर स्वास्थ्य सिस्टम यहाँ का ठीक होता तो एक गरीब आदमी जाके 70,000 रुपए फूक करके नहीं आता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एकदम वापस होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर और मैं शिक्षा की आपने बात की, पत्रकार ने सवाल उठाया, शिक्षा की आपने बात की है, पूरे सीमांचल को लेकर के यूनिवर्सिटी आप पहुँच जाए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी जाए, मैं ग्राउंड पे होकर के आई हूँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की हालत इतनी बदतरीन है, वहाँ के ग्रेजुएशन मास्टर के स्टूडेंट को एलिमेंट का नाम नहीं पता कि कितने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स है, कितने सिंबल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूलर क्या है, वॉल्यूम क्या है, कुछ नहीं पता। मैं सहमत हूं आपसे, उनकी पढ़ाई से क्या फायदा, उसमें डिग्री टप्पा लगाने से नहीं होगा। और दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बिहार खराब है, काम की जरूरत है, बिल्कुल काम की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ शिक्षा मंत्री सो रहे होते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात को कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, जिसके अगुवा है नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों मसलों पर ये लोग काम करेंगे, और काम हो भी रहा है। लगभग 10 लाख से ज्यादा बहाली की प्रक्रिया चल रही है, स्वास्थ्य में भी बंपर बहाली हो रही है, शिक्षा विभाग में भी बहाली हो रही है। अभी मिशन 60 आपको याद है, मिशन 60 आपको याद है क्या? मिशन 60 नहीं, मिशन 60 के तहत सभी हॉस्पिटल को सारे जो किट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मशीनरी जो भी चीजें हैं हॉस्पिटल में, जो चीजें नीड होती है वो देने हैं। लेकिन एक भी हॉस्पिटल, मैं जोगबनी हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक पहुँच गई हूँ, कहीं पर कुछ नहीं मिला मुझे, ना धरातल पर कुछ नजर। बोलिए बोलिए जल्दी। मेरा ये सवाल है, ठीक है, जो एक तरफ कह रहे हैं ना कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हुआ, अभी भी आप जाइए प्रशासन रिश्वत लेके काम नहीं कर रहे हैं, पंचायती राज में इतना करप्शन भरा हुआ है, कहाँ मतलब सरकार जो दावा कर रही है मैंने विकास किया है, दूध से धुला कोई नहीं है। तो मैं यही चाह रहा हूँ ना, ये पत्रकारों का काम है उस चीज से पर्दा उठाया जाए, पर्दा उठाया जाए। हम लोग मोदी के खिलाफ है ना भाई, हम लोग मोदी के खिलाफ है ना, हम लोग डॉक्टर जावेद के खिलाफ है ना भाई, बस बात खत्म। जब विधानसभा का चुनाव होगा लोग तय कर लेंगे फिर विधानसभा के समय में। बिल्कुल आइए दादा, आप आइए पहले आइए। पाक मरवावा इधर आम साहब कोई काम नहीं किया है, वो ठग आदमी है, वो विक्टर हिमालय है, वो भी ठग है, वो भी चुनाव एमएलए है। जावेद कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, पेंशन देते हैं आपको? हाँ पेंशन मिलता है, मिलती है, हाँ मिलती है। अच्छा, काम मिलता है, काम कोई कुछ नहीं मिलता है, उसका पास गए नहीं, नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, उसका पास मुर्दा गए बता, 5 मिनट को आपसे मेरे हाथ मिला कर धोया क्या? हाँ 5 मिनट साबुन हाथ देता है, आपसे हाथ मिलाने के बाद धोए थे? हाँ हम धो रहे, वो भी साबुन देता हाथ, हाँ यहाँ भी हाथ देता है, अभी भी धोते हैं, अभी भी धोते हैं। अच्छा, और क्या उम्मीद थी आप लोगों? उम्मीद उसका बेकार है, वो काम काज नहीं कर रहा है, कोई आदमी को बेल लगा रास्ता चलेगा, 5 मिनट हाथ देगा साबुन देकर के, वो काम काज नहीं, जिसको वोट देंगे मास्टर को, वोट देंगे मुजाहिद मास्टर को, मुजाहिद मास्टर उसको वोट देंगे हम लोग, कोई काम काज नहीं है, क्या मास्टर मजा है, जाना जरूरी था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वादे किए गए थे कि आपके यहाँ सड़कें बनाई जाएगी, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन हमको आज तक कहीं नजर कुछ नहीं आया है। जो भी नजर आया है हमारा मास्टर मुजाहिद साबित किए हैं, और हार करके भी वो विधायक का रोल अभी तक निभा है, हार कर भी मास्टर मुजाहिद हीरो बने हुए हैं। बात अगर आप करेंगे तो यहाँ ऐसे दल भी हैं जो इतनी बड़ी बड़ी वादे किए थे कि अवाम उसका गवाह है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, गवाह चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहे थे कि यहाँ आलीशान हैदराबाद के तर्ज पर अवैसी अस्पताल बनाएंगे, अवैसी स्कूल बनाएंगे, अवैसी जहाँ बोले थे कि हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे इसी किसान कॉलेज में बोले थे, तो ये सारा झुट्टा लोग है, या कोई भी फिरका परस्त पार्टी का कोई दाल गलने वाला नहीं है, जो भी हिंदू मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान का बात करेगा सीधे जनता उसको इस बार नकार देगी, जो यहाँ विकास का बात करेगा, भाई भाई को एकजुटता करने का बात करेगा, अनेकता में एकता का बात करेगा, हिंदुस्तान एक ऐसा गमला है फूल का जिसमें रंग बिरंग का फूल है, जो ऐसा बात करेगा लोग उसी को इस बार चुनेगा, उसी का सरकार बनेगा। यहाँ के एमपी या विधायक काम करते तो जनता फिर मास्टर मुजाहिद के बाद दौड़ के क्यों आते, क्यों जाते, जनता दौड़ के मास्टर मुजाहिद के वजह से काम लोग नहीं करते। और लोगों को मौका देना जरूरी है, ये सामने क्या नाम है आपका, आप ये बताइए क्या देखा है? देखा ये है, बसता ये नहीं है कि एक चेहरा को सरकार
उसके साथ बनेगा, जो जीतेगा वहाँ सरकार के साथ जीतेगा वो काम करेगा। मसला ये नहीं कि मास्टर मुजाहिद काम करेगा, मसला ये नहीं डॉक्टर जावेद काम करेगा। अगर सरकार बीजेपी का भागेगा हर कोई काम कर सकता है, बस मैं ये बात कर सकता। तो आप लोगों के दिमाग में बस एक ही है बीजेपी को भगाना, ये नहीं है मसला, ये नहीं किसी व्यक्ति को नीचे दिखाना, डॉक्टर जावेद काम नहीं करना है, नहीं नहीं आप लोगों का मसला ये बन मसला ये कि इंडिया से बीजेपी को हटाना, बीजेपी को हटाने में आप ऐरे गहरे थोड़ी है, वो भी चार तरफ विधायक रहा, एक तरफ एमपी रहा, ऐसे तो नहीं बन गया। काम आप काम देखते कि दल देखते, काम तो देखेंगे, दल भी देखेंगे। आपके सांसद ने जमीन पर क्या काम किया? लोगों के संपर्क में भी नहीं रहा। आज तक हम लोग जनप्रतिनिधि के इतने दिन से आज तक हम लोग को भी नहीं पता कर सकते, कभी फोन करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं, कभी नहीं बात किया। जो चुनाव जीत सकता है, हम लोगों ने दिया था अवैध सबको वोट, महागठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन कोई काम नहीं है धरातल पर। जब युवा आदमी लोग पहचानता तक नहीं है कि मेरा सांसद कौन है, फिर दोबारा उसको लोग वोट करेगा? नुकसान में दे दिया, लेकिन वोट देने के बाद सब लोग सोचा है कि हमको वोट नहीं देना था, गलती हो गई इसलिए कि वोट लेने के बाद दोबारा वो आपके बार आया भी नहीं झारखंड के लिए कि हमारा मतलब क्या होता है नहीं होता है, हमारा जनामारा भी रहेगा, हमारा छोटे रहेगा। 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? इंडिया माने हैं इंडिया। एक डॉक्टर एक ड्राइवर है, इधर आइए क्या दिक्कत है बताइए। जी हम मरदूब आलम है, हम लोगों का मास्टर बनना ही दीपक नेता है, क्योंकि हम लोग सड़क के लिए भी हैं, रास्ते में इसका मतलब साफ देगा वो। और किशनगंज में एक पुलिस हमको रिश्वत दिया था, रिश्वत लेने की जो मैं उसको क्या किया बनने वाले हैं एमपी जय सब आएंगे तो हम लोग उसको वोट करेंगे। और चाबी डॉक्टर जो आए हैं वो तो नाम के ही डॉक्टर हैं, वो ऐसे ही रह गए, वो अगर आएंगे जावेद साहब हम लोग लोटा में मार देंगे, लेकिन लोटा में वोट जाएगा, लेकिन मेरा मर्ज मुजाहिद भी आएगा तब उसी को जिताएंगे हम लोग। उनके इलेक्शन में चुनाव प्रभारी भी रहा, पक्का? लेकिन अगर मुझे भी और उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा तो कम से कम 3-4 आदमी को फोन करना पड़ेगा, तब उनसे मेरी बात हो पाएगी। डॉक्टर जावेद से? जी डॉक्टर जावेद साहब से।